यस दिख गया अभी, एक बार कंफर्म कर दो सब लोग वेदर आई एम विजिबल एंड ऑडिबल. जिन लोगों को नहीं दिख रहा है एक बार रिफ्रेश करो, यू विल बी एबल टू सी मी. यस ओके. नाउ बिफोर वी गो इन टू द स्ट्रैटेजी, बिकॉज सिंस टुडे इज 7th एंड द एग्जाम इज स्केड्यूल्ड ऑन द 10th, बिफोर वी गो इन टू दैट आई वॉन्ट टू गिव यू पीपल अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द क्वेश्चन विच वेर लेफ्ट. हमारे लगभग 150 क्वेश्चन बाकी थे. हम लोग आज मैराथन सेशन में 150 क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद आई विल गेट इनटू दैट. क्लियर? यस. आई कैन ऑलरेडी सी देर आर सम क्वेरीज. जामिया का एग्जाम हिंदी मीडियम में नहीं होता है, इट इज ओनली इन इंग्लिश. क्लियर? यस. एंड आई हैव सॉल्व्ड ऑल द अदर पेपर्स. आई होप यू पीपल हैव सीन इट. हाफ ऑफ अ पेपर इज लेफ्ट एंड वन मोर फुल पेपर दैट इज 2017 पेपर इज लेफ्ट. वो दोनों आज हम लोग इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं. क्लियर? ऑल राइट. सो हमने लास्ट क्लास में 2018 के पेपर के 50 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे, तो एक बार बाकी 50 भी हम लोग सॉल्व कर ले, उसके बाद वी मूव ऑन टू 2018 पेपर. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिकॉल, हमने ये सारे सॉल्व कर लिए थे. 2000, दिस इज 2018 पेपर. मैंने सारे लिंक्स जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स जहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक्स मैंने डाल दिए हैं. ऑल द लिंक्स जहाँ पे मैंने PYQ सॉल्व किया है, वो सारे लिंक्स मैंने अटैच कर दिया है. सो उन्हें एक बार जरूर देख लेना. दो स्टूडेंट्स हु आर स्टिल फाइंडिंग एंड यू डिड नॉट नो कि क्या होंगे उनके आंसर्स. क्लियर? अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट देन. वेरी गुड. यस, प्लीज रिमेंबर कि JMI में नेगेटिव मार्किंग होता है. जामिया मिलिया इस्लामिया में नेगेटिव मार्किंग होता है. हर एक क्वेश्चन के अगर आपने गलत किया, आपके 0.25 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे. दैट मींस इफ यू मेक 4 क्वेश्चंस रॉन्ग, आपका एक मार्क गया. सो बी वेरी वेरी केयरफुल, डू नॉट मेक मिस्टेक्स. यस, ऑल राइट. नाउ आई हैव ऑलरेडी सॉल्व रेस्ट ऑफ द पेपर, सो डोंट एनॉय मी राइट नाउ बाय आस्किंग ऑल दीज. जिन लोगों ने नहीं देखा है क्लास, मैंने लिंक्स अटैच कर दिया है, जाके क्लास देखो और अपना होमवर्क अच्छे से करो. यस. नाउ सो आंसर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51. हु हैज डिफाइंड दिस दैट थियरी इज अ सेट ऑफ सिस्टमैटिकली रिलेटेड प्रपोजिशंस स्पेसिफाइंग कॉजल रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स. वेरिएबल्स के बीच कॉजल रिलेशनशिप होता है, उसे हम लोग थियरी बोलते हैं. हु हैज टॉक्ड अबाउट दिस डेफिनेशन? पीवी यंग, एमोरी, गिब्स, ब्लैक जेम्स एंड चैंपियन. हुज डेफिनेशन इज दिस? क्वेश्चन नंबर 51. And those students who are not interested in the class, you can leave the class so that the other students are not disturbed because of you. Yes. Please see and tell me. Very good. What will be the answer of question number 51? Also, those students asking me irrelevant questions, please don't जाके देखो मैंने कौन कौन से पेपर सॉल्व किए हैं. बाकी सारे पेपर सॉल्व हो गए हैं एक्सेप्ट फॉर दिस एंड 2017 पेपर. बाकी एवरी पेपर इज सॉल्व. सो इफ यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम. यस, वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज PV यंग. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. रिसर्च अंडरटेकन फॉर नॉलेज से, यानी कि आप रिसर्च कर रहे हो सिर्फ नॉलेज पाने के लिए, उसे हम लोग कौन सा रिसर्च बोलते हैं? एक्शन रिसर्च, पायलट रिसर्च, सर्वे, प्योर रिसर्च. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी. रिसर्च अंडरटेकन फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पाने के लिए. वेरी गुड. यस, मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर. फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, वेरी गुड. द करेक्ट आंसर, मैनी ऑफ यू आर टेलिंग यस. यही तो प्रॉब्लम है. मैनी ऑफ यू आर टेलिंग पायलट स्टडी. ये पायलट स्टडी कैसे होगा? द करेक्ट आंसर इज प्योर रिसर्च. प्योर रिसर्च को हम लोगों ने पढ़ा है. आई हैव टॉट यू पीपल इन रिसर्च मैराथन क्लास दैट इट इज कॉल्ड प्योर रिसर्च बिकॉज इट इज थियोरिटिकल. हम लोग नॉलेज पाने के लिए इस रिसर्च को करते हैं. पायलट स्टडी इज जस्ट अ प्रिलिमिनरी या फिर डेमो स्टडी. आप फील्ड में एक दिन पहले जाके एक छोटा सा स्टडी करके आते हो, दैट इज नॉट फॉर नॉलेज से. क्लियर?
Which country will host 2024 Olympics? Since I'm not taking the GK question, but iska answer mujhe pata hai. The correct answer is France. Okay. These are some of the recent GK questions that were asked in the previous papers, but mostly nowadays they are not going to ask you in a GK because जो 2020 का paper था उसमें एक भी question GK से नहीं था, so मुझे पता नहीं इस बार भी ये लोग क्या करेंगे. Yes, अच्छा. In which city World Economic Forum Summit was held in 2018? I don't know. For that, you people have to find out. Let's find the next one. Question number 55. The concept of anticipatory socialization has been used by who? The correct answer is R.K. Merton. बहुत बार हमने पढ़ा है, इसे भूलना मत. Clear? Question number 56. 2017 के Republic Day के chief guest कौन थे? Obviously 2017 का नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए so either 2020 का पूछेंगे या फिर 21 का पूछेंगे, so उसे एक बार briefly revise कर लेना. Question number 73 is asking you people, Spencer ने अपना theory of social change किसके साथ relate किया था? Supernatural, technology, philosophy, organism. It's a very famous theory, we have taught, we have learned Spencer. Let's see how many of you can tell me. Very good. The correct answer is organism because he talks about organic analogy. Yes. So anything that has to do with organism will surmount to Spencer. Social change means changes only in technology, philosophy, economy, social organization. Very easy question. The correct answer is social organization. Social change yani ki hamare social organization mein badlav aa rahi hai. Which one of the following is the most significant feature of Indian population? Declining birth rate, improvement in the literacy level, the size of its adolescent population, the improvement in health conditions. इनमें से इंडिया का सबसे important feature क्या है? You people tell me, इसका common sense लगा के इसका क्या होगा? This is a very very important question. Yes, very good. I have taught you people this also in one of the foundation classes. Let me see how many of you have seen those classes. You will know question number 75. Very good. Most of you are giving correct answer. The correct answer is size of its adolescent population, जिसे हम लोग demographic dividend भी बोलते हैं. हमारे इंडिया में demographic dividend बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम लोग इस question को भी हमने form किया है. Next. Who said that no reformation is possible without a renaissance? कोई भी reformation possible नहीं है अगर renaissance नहीं आता है तो. ये हमने last time 1000 MCQs में भी solve किया था. Let me see how many of you recall. Yes, very good. हमने last time ये question 1000 MCQ में भी solve किया था. Reformation नहीं आ सकता अगर हम लोग renaissance नहीं लाएंगे. Karl Marx, Montesquieu, Frederick Engels, G.W.F. Hegel. Very good. Many of you, I can see, are guessing it right, but काफी सारे अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं. See, इनमें से हमारा मार्क्स और एंगल्स तो कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि मार्क्स और एंगल्स ने कभी भी इसके बारे में नहीं बोला है. This is a very famous quotation coming from Montesquieu. Please note it down. Next. The basic characteristics of primitive law is that it is identical with जो पुराने जमाने के primitive law हुआ करते थे उसका सबसे important characteristic क्या है? What is it identical with? Ethical norms and public opinion, social norms and public opinion, taboos and customs, customs and public opinion. Primitive law यानी पुराने जमाने का law. This is a very easy question क्योंकि public opinion पहले के जमाने में नहीं लिया जाता था. पब्लिक क्या सोचते हैं? दैट डज नॉट मैटर. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज टैबूज एंड कस्टम्स. क्लियर? नेक्स्ट. व्हिच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट अकाउंट फॉर रीजनल वेरिएशन ऑफ डोमिनेंट कास्ट? रिजिडिटी ऑफ कास्ट रैंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कास्ट रैंकिंग, द एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स इन वन रीजन, द डिग्री टू विच सिंगल लार्ज लैंड होल्डिंग कास्ट कंट्रोल्स अ सेट ऑफ डिपेंडेंट कास्ट. इसका मतलब पहले समझो. विच अमंग दीज डज नॉट अकाउंट फॉर रीजनल वेरिएशन इन डोमिनेंट कास्ट, यानी कि डोमिनेंट कास्ट अलग अलग जगहों पे अलग अलग होते हैं, इनमें से कौन सा उसका रीजन नहीं है? द रीजन इज ऑब्वियस. द रीजन इज रिजिडिटी ऑफ कास्ट रैंकिंग. रिजिडिटी नहीं होता है इसीलिए तो आपको वेरिएशन मिलेगा डोमिनेंट कास्ट में. डिड यू पीपल अंडरस्टैंड?
Did you people understand the logic? This is a very interesting question actually. Dominant caste आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग caste इसलिए मिलते हैं क्योंकि rigidity of caste ranking नहीं होता है. Question में आपको not पूछा गया है. Clear? Let's see the next one. And I hope you people understood that. Question number 79. मुझे तो लगता है कि आधे students को question ही नहीं आता है समझ में. कोई भी कुछ भी गलत answer दे रहा है. पंचायती राज system is based on the principle of पंचायती राज किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है. रूल ऑफ लॉ थ्रू पंचायत, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इफेक्टिव सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ विलेजेस. पंचायती राज सिस्टम को हम लोग दूसरे और एक नाम से जानते हैं. व्हाट इज दैट? वेरी गुड. आई कैन सी मेनी ऑफ यू आर कंसिस्टेंटली गिविंग करेक्ट आंसर्स. यू पीपल विल डेफिनेटली गेट थ्रू जामिया. बाकी स्टूडेंट्स जो गलत आंसर्स दे रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकती. वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. इनफैक्ट डिसेंट्रलाइजेशन इज द की वर्ड फॉर पंचायती राज सिस्टम. जिला परिषद के मेंबर्स को हम लोग कितने साल के लिए इलेक्ट करते हैं? बेसिकली इनका टेन्योर क्या होता है? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज 5 years, ऑप्शन नंबर ए. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 81. This is a very famous book which I have taught my plus students. Again, I know you people don't study, so I don't know how many of you will give the correct answer. Urban Society and Ecological Approach किसने लिखी थी? पीसी जोशी, आर के मुखर्जी, एमोस हावले, लुइस वर्थ. वेरी गुड. सी हिंदी स्टूडेंट्स का मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर तो जामिया में इंग्लिश में ही आएगा. वहां पे तो आपके लिए हिंदी ट्रांसलेशंस नहीं होंगे. सो अगर आप लोग अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैं क्या करूं? तो एग्जाम में तो आपके लिए हिंदी मीडियम में नहीं होंगे क्वेश्चंस. सो इफ यू पीपल आर अपियरिंग फॉर एग्जाम्स जहां पे हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस नहीं है वहां पे तो आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा. इजंट इट? यस. वेरी गुड. एंड मैं तो क्वेश्चन समझा भी रही हूँ. एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन समझाने के लिए कोई नहीं होगा. वेरी गुड. आई एटलीस्ट एक्सपेक्टेड माई प्लस स्टूडेंट्स टू गिव द करेक्ट आंसर बट दैट इज ऑब्वियसली बिकॉज यू पीपल डू नॉट स्टडी. द करेक्ट आंसर इज ए एच हाउली. दैट इज एमोस हाउली रोट दिस फेमस बुक नोन एज अर्बन सोसाइटी एंड इकोलॉजिकल अप्रोच. बट देन अगेन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स तो पढ़ते नहीं है. एंड आई हैव टॉट यू पीपल दिस. सो दैट इज हाउ यू पीपल फेल इन एग्जाम्स. मेरे पढ़ाए हुए चीजों को आप लोग एग्जाम में जाके गलत करके आएंगे. सो देर इज नो पॉइंट अटेंडिंग माई क्लासेस अगर पढ़ेंगे नहीं तो. द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन इज डेवलप्ड बाय दिस वी हैव डन सेवरल टाइम्स. द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट एज़रा पार्क. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने आप लोगों को माइग्रेशन में पुश और पुल फैक्टर्स पढ़ाया है. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिकॉल. व्हेन ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज अगर लोग माइग्रेट करेंगे. मान लो एक गांव है यहां से अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग यहां पे माइग्रेट हो रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, बोथ, नन? दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन कंसिडरिंग दैट आई हैव टॉट यू पीपल दिस वेरी वेरी वेल ऑल फॉर फ्री इन फाउंडेशन क्लासेस. ये सारी चीजें मैंने फ्री में पढ़ाया है जो कि मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए था. उसके बाद भी आप लोग उन्हें यूटिलाइज नहीं करते. द करेक्ट आंसर इज पुल फैक्टर्स. वेरी गुड. इनमें से किसने विलेजेस को लिटिल रिपब्लिक बोला था? आई हैव टॉट यू पीपल मेनी टाइम्स लिटिल रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट सबसे पहले चार्ल्स मेटकैफ ने यूज किया था. बट चार्ल्स मेटकैफ के बाद इंडिया में यूज करते हैं महात्मा गांधी वेर ही कॉल्स इट विलेज रिपब्लिक. Clear? Yes. Let's see the next one. In order to explain the process of urbanization, which of the following aspects can one ignore? अगर आप urbanization के बारे में बोल रहे हो इनमें से एक के बारे में आप ignore भी कर सकते हो. Educational aspect, economic aspect, socio-cultural aspect, demographic and spatial aspects. For urbanization, you can let go of socio-cultural aspect. Urbanization में education, economy और demography बहुत prominent होता है. लोगों का socio-cultural practices कैसे हैं वो does not matter. Clear? इनमें से sector theory of urban development किसका है? Very easy question. Burgess, Spengler, Park, Homer Hoyt. The sector theory of urban development was given by Homer Hoyt. Let's see the next one. As the name suggests, the rural-urban fringe represents the fusion of rural-urban ways of life. ये जो rural areas होते हैं और urban areas होते हैं, जहाँ पे ये दोनों match करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? Periphery, middle, outskirts, nearby industries. The correct answer is outskirts. हम लोग outskirts में rural और urban को
मैच होते हुए देखते हैं. प्लीज रिमेम्बर, पेरीफेरी नहीं होगा. पेरीफेरी सिंपली मीन्स कि जो हमारा आउटर एरिया है. आउटस्कर्स इज द मोस्ट, और रादर वी कैन से अ मोर स्पेसिफिक वर्ड. क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 88 को ध्यान से पढ़ो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू स्टडी अर्बन सोशियोलॉजी. इनमें से कौन सा अर्बन सोशियोलॉजी स्टडी करने का सही तरीका नहीं है? एसोसिएशनल, ऑर्गेनाइजेशनल, कम्युनिटी, इकोलॉजिकल. एनीबॉडी हु हैज सॉल्वड और स्टडीड बेसिक्स विथ मी विल नो द आंसर. द करेक्ट आंसर इज कम्युनिटी, क्योंकि फर्डिनेंड टॉमस ने क्या कहा था, कम्युनिटी आपको रूरल या फिर पहले के जमाने में ही मिलेगा, जबकि आजकल के जमाने में हम लोग एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजिकल, ये सारे चीजें हम लोग यूज करते हैं. क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ह्यूमन सोसाइटीज हैव बीन क्रैडल्ड इन रूरल ग्रुप. ये एक बहुत फेमस सेंटेंस है, बहुत बार हमने नेट में भी ये क्वेश्चन किया है. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिकॉल. ह्यूमन सोसाइटीज रूरल ग्रुप में ही से निकलते हैं. इट्स क्रैडल्ड इन रूरल ग्रुप. बॉटमोर, आंद्रे बेते, बोगार्डस, एलेक्स इनकिलिस. इट्स अ वेरी फेमस कोटेशन. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव मी द करेक्ट आंसर. वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज बोगार्डस. क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं. The degree of urbanization of any given community is indicated by its population size, population density, population heterogeneity, all of the above. This is nothing but a definition given by Sorokin and Zimmerman. Sorokin और Zimmerman ने मिलके ये definition हमें दिया था, जहां पे ये तीनों बहुत important होते हैं. That means the correct answer is all of the above. Let's see the next one. Next one is a definition. Let's see if I know it or not. Society का ये definition किसने दिया था? That it is a system of usages and procedures, authority and mutual aid, groupings and divisions, control of human behavior and liberty. All ever changing. I don't know exactly. Probably I can't remember ये definition किसका है. If anybody is completely sure of question number 91, can tell me in the options below. If anybody is completely sure ki ye option 91 kisne diya hai, then can let me know in the comment box. Okay, many people are saying McIver. If you people are confirmed, then only tell me, kyunki main yahan pe tick karne wali hu. Achha, bahut sare log green bhi bol rahe hain. Ek answer do, if you people want, you can check and also tell me. McIver, ma'am, sure. Achha, Shweta bata rahi hai ki McIver sure hai wo. ओके देन आई विल गो विथ मैकाइवर. इफ सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी सेड कि आप लोग बिल्कुल श्योर है ये मैकाइवर का है, तो फिर आई एम गोइंग विथ मैकाइवर. ऑल राइट. अच्छा, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. द स्टोरी मैन इज सेइंग ये ग्रीन है. अच्छा, एक काम करते हैं, अगर इसमें कोई चेंजेस आता है मैं क्लास के बाद कॉमेंट्स में अपडेट कर दूंगी. क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है. नेक्स्ट वाला देखो. वेयर देयर इज लाइफ देयर इज सोसाइटी. ये फेमस कोटेशन किसका है? See, I don't want to fight. एक तो आप स्टूडेंट्स श्योर नहीं हो और मैं, मुझे भी पता नहीं, तो मैं दोनों ग्रुप्स में जगल नहीं कर सकती. बस वही स्टूडेंट्स बताए जो श्योर है. मुझे ये बताइए ये स्टेटमेंट किसका है. Where there is life, move on to the next question. एक क्वेश्चन में अटक के कोई फायदा है नहीं, बिकॉज वी हैव 100 मोर questions टू डू. यस यस, वेरी गुड. Where there is life, there is society. August Court, Aristotle, Max Weber, McIver and Page. Now to those students who don't know the correct answer to this, yes, I can see many of you. Yes, many of you are giving the correct answer. The correct answer is August Comte. This is a lesser known quotation. Aa bhi sakta hai exam mein. Please ise note down karo. What does society include? Inme se society mein kya kya exclude hota hai? Sorry, not include. इनमें से कौन सा चीज सोसाइटी में आपको नहीं दिखाई देता है? डिफरेंस, इंटरडिपेंडेंस, रेसिप्रोसिटी, टाइम बाउंडनेस. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. कोई भी सोसाइटी टाइम बाउंड नहीं होता है. सोसाइटी कीप्स ऑन चेंजिंग. सोसाइटी बदलता रहता है, ये कभी भी टाइम बाउंड नहीं होता है. यस, नेक्स्ट. विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट कोऑपरेशन. डायरेक्ट कोऑपरेशन टेक्स प्लेस इन फैमिली, जबकि पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, जनरल असेंबली, यहाँ पे इनडायरेक्टली लोग कोऑपरेट करते हैं. फेस टू फेस नहीं भी हो सकता है, पर फैमिली में तो फेस टू फेस होता है. यस,
Read the next question. A person aged 7 years and above who can read or write with understanding. ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इसे हम लोग refined literacy rate भी बोलते हैं. अगर 7 साल के ऊपर कोई इंसान पढ़ लिख पाता है उसे हम लोग refined literacy rate बोलते हैं. So option B, literate is the correct answer. Let's see the next one. Which of the following statements is not relevant for showing that individuals have a self-concept? Individuals के पास एक self-concept होता है. इनमें से कौन सा option उसके साथ agree नहीं कर रहा है? His ideals and values, that he has destiny, he has a spatial location, यानी कि वो एक specific जगह से belong करता है. He adopts the norms and values of the society. इनमें से कौन सा does not show that the individual has a self-concept? This is also very easy. I don't know how many of you can relate to it. If he is adopting the norms and values of society, agar society ke hi sare norms and values wo adapt kar lega, to kahin na kahin uska jo ek self ka idea hai will get diminished because he will get more influenced by the society or the socialization process that he has gone through. Yes? Did you people understand what I just said? I hope the एक्सप्लेनेशन इज क्लियर. स्पेशल लोकेशन क्यों नहीं होगा? वो कहीं से तो बिलोंग करता होगा ना. द पर्सन विल बिलोंग टू सर्टेन प्लेस. जैसे कि हम लोग इंडिया से हैं तो एक स्पेशल लोकेशन तो होना ही है हमारा. क्लियर? नेक्स्ट. विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट स्टेटस? भारत रत्न, लेबरर, द टाइटल ऑफ नाइटहुड, यूज ऑफ प्रेफिक्स पंडित. दिस इज वेरी इजी. द करेक्ट आंसर इज लेबरर, क्योंकि लेबरर से आपका बस क्लास पता चल रहा है, स्टेटस नहीं. अगर आपके पास भारत रत्न है तो फिर ये भी एक स्टेटस की बात है. इफ यू हैव अ नाइटहुड टाइटल देन ऑल्सो येस. अगर आपके नाम के सामने लोग पंडित यूज कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो येस. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 98. The core of culture is formed by. Culture किस चीज से बनता है? Art, values, technology, traditions. This is also very easy. हमें पता है कि culture हम लोग एक generation से दूसरे generation pass करते रहते हैं. That means our traditions play a very important role in forming culture. Yes? All right. Let's see the next one. Question number 99 is asking you, which is not the social role in the following? इनमें से कौन सा social role का example नहीं है? यही question NET का भी PYQ है. हमने बहुत सारे PYQs यहाँ पे solve की है. Let me see how many of you relate to this. अच्छा, some students are asking, ma'am, how destiny? So I thought the previous question is clear. Destiny क्यों नहीं? He has a destiny. That means what? आप अपने self को shape करोगे believing that you have a destiny. Yes, if you believe that you have a destiny, आप अपने सेल्फ पे वैसे ही काम करोगे, अपने आप को और बेहतर करोगे या फिर अपने आप के ना काम नहीं करोगे. Yes, so self is very important because जो भी destiny में मैं अपने आप को मानती हूँ उसी हिसाब से मैं अपने सेल्फ को भी बनाऊंगी. क्लियर? अच्छा, दिस इज अ नेट PYQ अगेन. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज नंबर सी, दैट इज एन एक्टर इन्वॉल्व्ड इन एन एक्ट ऑफ वायलेंस ऑन स्क्रीन. ये तो रियल एक्टिंग कर रहा है, यानी कि वो सच्ची में एक्टिंग ही कर रहा है. ये सोशल रोल नहीं कहलाएगा. अ प्रीस्ट परफॉर्मिंग अ सेरेमनी, लॉयर प्रिपेयरिंग हिज विटनेस, पॉलिटिशियन प्रीचिंग द कल्ट ऑफ वायलेंस, ये सारे इनके प्रोफेशन बेसिस पे आ जाती है. पर जो एक्टर कर रहा है ऑन स्क्रीन ये बस एक्टिंग है. इट इज नॉट हिज सोशल रोल. वो बस स्क्रिप्ट के हिसाब से अपना एक्टिंग कर रहा है. क्लियर? इजी क्वेश्चन. लेट अस सी द नेक्स्ट वन. In South India, which Adivasi caste is also called the Dravid? South Indians Renufa, North Indians Rania, both of the above, none of the above. I think if they are asking about South India, although I'm not very sure, I think the answer will be South Indians Renufa. एक बार confirm कर लेते हैं because this even I kind of can't recall now. Let's see, because North India से तो नहीं होगा. What do you people think? Yes, I can't find much write up on this, so I'm not very sure, but I would still go with South India's Renufa because North India ka to mujhe thoda dicey lag raha hai. Yes, so this is as of now my answer, although I'm not very sure. Let's start with the next question series because mare paas 2017 ka bhi
सॉल्व करना है। 2017 का एक काम करते हैं, वी कैन स्टार्ट विथ। 2017 में काफी सारे जीके क्वेश्चंस आए थे, सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी नोन टू अस, बट वी कैन ऑलवेज ट्राई। ये 2017 का पेपर है, क्लियर? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे सारे पेपर्स सॉल्व हो जाएंगे। वी हैव सॉल्व्ड ऑल द पेपर्स। दिस इज 2017 एमए पेपर। यस, बाकी जो भी स्टूडेंट्स ने मिस किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारे पीवाईक्यू के लिंक्स दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑल द पीवाईक्यू लिंक्स आर गिवन, वो जाके आप लोग जरूर देखना, जो भी पहले वाले आप लोगों ने मिस किए हैं। क्लियर? ऑल राइट, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर वन। इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट बेस्ट डिस्क्राइब्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल ऑनर? सोसाइटी में अलग अलग लोगों के पास अलग अलग सोशल ऑनर होता है। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वेबर। उसे वेबर ने क्या वर्ड यूज करके बताया था? द करेक्ट आंसर इज स्टेटस। Status shows the unequal social honor in society. I hope it is clear. Question number 2. 2017 में government of Punjab ने 33% reservation दिया था औरतों को, पर किस में दिया था? The correct answer is all government jobs including contractual appointments. ये option हमारा सबसे ज्यादा specific है. So please remember this. Initially in the same way, अगर आप लोगों को इस बार की भी देखना है, कुछ recent news अगर ऐसा आया होगा, आप लोग जरूर देख सकते हो. Clear? Who looked at conflict and order as two aspects of society? इसे हम लोग दूसरे word में बोलते हैं, conflict and consensus. Conflict and consensus society के दो parts होते हैं. ये famous sentence आ रहा है Dadendorf से. Please remember this. Clear? Next. Which of the following concepts is not an ideal type constructed by Weber? Weber ने बहुत सारे ideal types के examples हमें बताए हैं, city, bureaucracy, capitalism. Therefore, यहाँ पे none of the above हो जाएगा, क्योंकि सारे के बारे में he has talked about. Therefore, the correct answer is number D, none of the above. Clear? Yes. Very good. Let's see the next one. मैक्स वेबर ने क्लास के बारे में बताते वक्त किस चीज में फोकस किया था? नॉट ओनली मैक्स वेबर बट इवन कार्ल मार्क्स, क्लास के टाइम बताते वक्त वो लोग वेल्थ पे ही फोकस करते हैं, बिकॉज क्लास इज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट. क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू क्लैन ऑफ ए ट्राइबल सोसाइटी? क्लैन ऑफ ए ट्राइबल सोसाइटी के साथ कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? इट इज एंडोगेमस, exogamous, members have a common ancestor, members share a common territory. मैंने बहुत बार आप लोगों से कहा है कि clan कभी भी endogamous नहीं होता है. Clan is always exogamous. Clear? Next. The distinction between role set and status set. Such an easy question. ये सारे तो हमने foundation classes में ही कर ली थी. The correct answer is Merton. जिन्होंने ये दोनों concepts हमें दिया है. क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 8 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. डैश आर द बैंड्स दैट डिफाइन स्पेसिफिक रोल्स, एक्सपेक्टेड बिहेवियर एंड स्टेटस ऑफ दोज हु बिलोंग टू देम एंड देयर ट्रांजिशन इज मार्क्ड बाय राइट्स ऑफ पैसेज. द करेक्ट आंसर इज वर्णास. हर एक वर्णा के कुछ डिफाइंड रोल होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड बिहेवियर होते हैं, और हर एक वर्णा में उनके ट्रांजिशन के रिचुअल्स भी अलग होते हैं. जैसे वी सी द हायर कास्ट्स प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ उपनयन सेरेमनी, जहां पे वो अपने लाइफ में ट्रांजिशन जब कर रहे होते हैं उसे वो लोग सेलिब्रेट करते हैं. क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटा कलेक्शन टूल? इनमें से डेटा कलेक्शन टूल कौन सा है? इंटरव्यू, इंटरव्यू स्केड्यूल, सर्वे, ऑल ऑफ द अबव. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. यहाँ पे सारे के सारे हमारे डेटा कलेक्शन टूल्स है. इंटरव्यू, इंटरव्यू का स्केड्यूल, सर्वे, ऑल ऑफ देम आर यूज एज डेटा कलेक्शन टूल्स और द वे इन विच वी कैन कलेक्ट आर डेटा. अगर यहाँ पे ऑप्शन में इंटरव्यू और इंटरव्यू स्केड्यूल नहीं होता, दोनों अगर नहीं होता, तो शायद इनमें से एक भी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो सकता था. बट हियर ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. क्लियर? What is generally the next step in survey research after pilot survey? आपने pilot survey किया, उसके बाद survey research में हम क्या करते हैं? Formulation of research problem, review of literature,
फ्रेमिंग ऑफ हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ डेटा. दिस इज वेरी इजी, हमेशा याद रखना. पायलट सर्वे के बाद हम असली सर्वे करने निकल जाते हैं. सो रियल सर्वे विल कम आफ्टर पायलट सर्वे. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज नंबर डी, कलेक्शन ऑफ डेटा. क्लियर? यस, वेरी गुड. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अ थियरी जेनरेटेड विद एन इंडक्टिव अप्रोच इज नोन एज व्हाट. इधर कमेंट्स में तो कुछ भी चल रहा है. आई कैन सी कमेंट्स में स्टूडेंट्स आर गिविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ रॉन्ग आंसर्स. गाइस, ऐसे नहीं चलेगा. वी मेक पायलट स्टडी और वी डू पायलट स्टडी आफ्टर प्रिपेयरिंग एवरीथिंग. फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये सब ऑलरेडी हो गया है. अभी एक बार हम लोग फील्ड में जाके देखेंगे कि कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट हो सकता है. बेस्ड ऑन दैट हम लोग रियल डेटा इसके बाद कलेक्ट करेंगे. यस आप लोगों का बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कॉन्सेप्ट, पता नहीं है आप लोग एग्जाम्स में क्या करेंगे. बट देन आई कांट हेल्प यू बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू द होल सिलेबस. नाउ इट इज योर ड्यूटी टू परफॉर्म इन द एग्जाम. अ थियरी जनरेटेड विद एन इंडक्टिव अप्रोच टू कलेक्ट डेटा इज नोन एज. अगर हम लोग इंडक्टिव अप्रोच से हम एक कोई थियरी बनाते हैं, उसे हम लोग ग्राउंडेड थियरी बोलते हैं. रिमेंबर, ग्राउंडेड थियरी का दूसरा नाम ही है इंडक्टिव अप्रोच. क्लियर? द ऑल्ट्रुइस्टिक फॉर्म ऑफ सुइसाइड इज बेस्ट कॉन्ट्रास्टेड टू, यानी कि ऑल्ट्रुइस्टिक सुइसाइड किस सुइसाइड का ऑपोजिट है. मैंने आप लोगों को सिखाया था ईगल, यानी कि इगोइस्टिक का ऑपोजिट है. सो द करेक्ट आंसर इज नंबर बी. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग. आई हैव टॉट यू पीपल दिस सेवरल टाइम्स. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव मी द करेक्ट आंसर. ये चीज मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के मैराथन क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया था. देखते हैं कितने लोगों को याद है. इनमें से सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13. वेरी गुड, वेरी गुड. आई कैन सी मेनी ऑफ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर. वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज क्लस्टर सैम्पलिंग. अगर आप लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी का मैराथन क्लास किया है तो आपको आंसर पता होगा ही होगा. द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव इज क्लस्टर सैम्पलिंग, क्योंकि ये लार्ज डेटा सेट के साथ हम लोग डील करते हैं. This is the largest data set out of the probability sampling. इसीलिए this is the most representative. Those students who are still giving me wrong answer, all the best for exams. Question number 14. Base and superstructure in Marxian sense refers to a relationship between social organization and political organization, economy and culture, ideology and utopia, means of production and relations of production. मार्क्स की भाषा में बेस और सुपरस्ट्रक्चर हो जाता है इकोनॉमी एंड कल्चर. बेस में आता है इकोनॉमी और कल्चर में आता है सुपरस्ट्रक्चर. क्लियर? इनमें से कौन सा इज नॉट करेक्टली मैच्ड? फोकवेज स्पेंसर, कल्चर टाइलर, किनशिप स्ट्रॉस, ट्राइब एफ जी बेली. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. द करेक्ट आंसर इज नंबर ए, क्योंकि फोकवेज का कॉन्सेप्ट दिया था सुमनर ने एंड नॉट स्पेंसर. आई होप यू पीपल रिकॉल. लेट सी द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 16 इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. द वर्ड कैमेलियन इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू ग्लोबल एज विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग. कैमेलियन का मतलब आप लोगों को पता है? प्लीज इसका हिंदी टर्म कोई मुझे बता दो. कैमेलियन वो एनिमल होता है जो अपना कलर बदलता रहता है. इट कैन चेंज द कलर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दैट द पर्सन इज. यस, इसका करेक्ट आंसर है वर्कर, यानी कि ये वर्ड उस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है जहां पे लोग एक जगह से दूसरे जगह तक माइग्रेट करते रहते हैं. जहां पे माइग्रेट करेंगे वहीं पे जाके वो लोग एडजस्ट हो जाते हैं. क्लियर? Wherever they go, they migrate to that place and they adjust to this place. Therefore, they are called chameleons. Yes? Very good. Girgit. Yes. Girgit is the Hindi word. I hope you people understood. Chalo. Let's see the next one. Sabse pehla Asian Games Delhi mein kab hua tha? The correct answer is 1951. Which of the following is the highest civilian award of India? Now, this is a very easy question which all of you should be knowing. Highest civilian award in India, jo ki 1954 mein dhoond ke nikala gaya tha, is Bharat Ratna. This is the highest civilian award. Do not confuse it with others. Yes? Number 19. Inme se kaun sa is a feature of tribe? Inme se tribe ka feature kaun sa hai? This is a tricky question. Let me see again how many of you can give me the correct answer.
ट्राइब्स आर हायरार्किकल इन नेचर, उनमें कॉमन कास्ट होता है, कॉमन लैंग्वेज होता है, ऑल ऑफ दी अबव. नाउ दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, या फिर आप लोग क्लासेस ध्यान से नहीं करते हो, ट्राइब कभी भी हायरार्किकल नहीं होता है. ट्राइब्स आर इगैलिटेरियन, और ट्राइब्स में तो कास्ट होता ही नहीं है. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज नंबर सी, कॉमन लैंग्वेज. यस, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. अगेन दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. मार्क्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, वेबर, द सिटी, डर्खाइम, मॉरल एजुकेशन, स्पेंसर, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी. द करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि ये किताब इकोनॉमी एंड सोसाइटी वेबर ने लिखी थी, नॉट मार्क्स. क्लियर? वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 21, अथॉरिटी इज अटैच्ड टू. जब किसी इंसान के पास अथॉरिटी होता है, वो किस चीज के साथ एसोसिएट होता है? स्टेटस, पोजीशन, मेरिट, पावर. अथॉरिटी इज अटैच्ड टू स्टेटस, पोजीशन, मेरिट, पावर. दिस इज वेरी इजी. द करेक्ट आंसर इज पावर. जब पावर लेजिटिमेट हो जाती है, तभी जाके वो अथॉरिटी बन जाती है. यस, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 22, दिस ऑल्सो आई हैव टॉट यू पीपल सेवरल टाइम्स. इवन कुछ दिन पहले जब हम लोग दूसरा पेपर सॉल्व कर रहे थे, वहां पे भी आई हैव मेंशन्ड अबाउट अमर्त्य सेन्स थियरी. अमर्त्य सेन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर विच वर्क. किस कारण उनको नोबेल मिला था? पॉवर्टी पे काम करने के लिए, रूरल डेवलपमेंट के इकोनॉमीज पे, वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे, कल्चरल इकोनॉमी पे काम करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 22, वेरी गुड. Some of you gave correct answer. That's good. At least that's what matters. You people will clear the exams. The correct answer is welfare economics. I've taught you people several times. In fact, last extra thinkers ke class mein bhi maine aap logo se kaha tha ki Amartya Sen ka answer hamesha welfare economics hi hoga. Yes, very good. Modernity is conceptualized as becoming rational, becoming sanskritized, becoming westernized, none of the above. The correct answer is number A, that is becoming rational. Modernity ko hum log rationality ke saath interchange karke use kar sakte hain. Clear? I hope you people remember this. Let's see question number 24. Who is the author of the book The Second Sex? A very, very important book, and I hope you people remember that. The author of the book Second Sex is Simone de Beauvoir. Ye bhi humne last class ke feminist thinkers wale class mein kiya tha. Yes? Very good. Let's see the next one now. Which of the following approximates the एटीट्यूड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप टूवर्ड्स इमिग्रेंट्स. अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ऑफकोर्स नहीं रहे, बट उस टाइम पे नहीं रहे एज इन नॉट एज अ लीडर. सो डोनाल्ड ट्रंप बैक इन दैट टाइम वॉज द लीडर, एंड वो इमिग्रेंट्स की तरफ बहुत ही डिस्क्रिमिनेट करते थे. उसे हम लोग सोशोलॉजी की भाषा में क्या बोलेंगे? लिबरल डेमोक्रेटिक, जेनोफोबिक, कल्चरल रिलेटिविस्ट, मॉडर्निस्ट. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. द एटीट्यूड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप टूवर्ड्स इमिग्रेंट्स. करेक्ट आंसर इज जेनोफोबिक, क्योंकि वो यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर कल्चर के खिलाफ बोलते थे कि हम इन्हें नहीं अलाउ करेंगे. जेनो मीन्स टू टॉक अबाउट सर्टेन टाइप ऑफ कल्चर एंड यू आर नॉट सपोर्टिंग देम. इट कैन बी योर ओन कल्चर और द अदर कल्चर्स. क्लियर? अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास, कास्ट का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल डिविजन ऑफ सोसाइटी, वर्टिकल डिविजन ऑफ सोसाइटी, सेम एज वर्ना, same as village. This is a very interesting question. The correct answer is number B, that is vertical division of society. उन्होंने caste को vertical unity of society भी बोला था, जो कि हमने हजारों बार MCQs में solve किया है. The thesis of tribe in transition is given by who? The tribe in transition बोल के book दो लोगों ने लिखी है. एक तो DN मजूमदार ने लिखी है tribe in transition बोल के एक किताब. There is another book called Indian Tribes in Transition given by Yogesh Atal. So, इन दोनों में से कोई भी हमारे ऑप्शन में नाम नहीं आ रही है. Therefore, the correct answer will be number D, none of the above. Am I clear? Let's see question number 28. Which of the following is an initiative of government to boost development through FDI या फिर foreign direct investment? Try and understand this. Yes, very good. Foreign direct investment
कैसे आ सकता है आपके कंट्री में? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तभी आ सकता है जब आप अपने कंट्री में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे। SEZ के बारे में आई हैव टॉट यू पीपल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जब बनाएंगे तभी आप लोगों को FDI मिलेगा। ट्रेड बैरियर्स करेंगे, एक्सपोर्ट इंक्रीज करेंगे, तो ये तो खिलाफ चला गया, सो नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। क्लियर? Which of the following is not applicable to tribal society of India? इनमें से tribal society में कौन सा नहीं होता है? Very obvious answer. The correct answer is caste, क्योंकि tribes में तो caste नहीं होता है. Clear? Which of the following is not correct with respect to India's national policy on urbanization? That you people have to see, since it's a GK question, I will skip it. National policy of urbanization में क्या है क्या नहीं, उसके concepts एक बार जरूर देख लेना. Yes? द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से ये फेमस किताब के ऑथर कौन है? ट्राइब्स ऑफ इंडिया, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। तो दो स्टूडेंट्स हु डोंट नो, नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स पे ये काम करके क्रिस्टोफ वॉन हाइमेंडॉर्फ हैज रिटन दिस फेमस बुक, बिकॉज ही इज वन ऑफ द ओनली टू पीपल हु हैव वर्कड ऑन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्राइब्स अपार्ट फ्रॉम वर्जीनिया खाखा। सो वेरियर एल्विन और GS घूरे तो ऑलरेडी हमारे एलिमिनेट हो गए इस ऑप्शन में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 32 क्या है देख लेते हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है अबाउट फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी? फेमिनिज्म इज अबाउट सिक्योरिंग अ हायर स्टेटस ऑफ वुमेन कंपेयर टू मेन। फेमिनिज्म इज अ स्ट्रगल फॉर इमेंसिपेशन या फिर फ्रीडम फॉर वुमेन। फेमिनिज्म इज अबाउट लीगल रिफॉर्म्स एंड एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इट इज अ स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ वुमेन। इट्स वेरी इजी, द करेक्ट आंसर इज ए। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया था कि फेमिनिज्म ये नहीं बोलता है कि लड़कियों को ज्यादा मिलना चाहिए। फेमिनिज्म ओनली टॉक्स अबाउट इक्वालिटी। क्लियर? इनमें से कौन सा एक्ट आया था राइट आफ्टर द वेक ऑफ जस्टिस वर्मा कमिटी? जस्टिस वर्मा कमिटी के आने के बाद इनमें से कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट एक हम लोग बोल सकते हैं अमेंडमेंट या फिर लॉ आया था राइट आफ्टर दैट? सो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, द सेकेंड अमेंडमेंट इन द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, नन ऑफ द अबव। यस, वेरी गुड, आई कैन सी मेनी ऑफ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर। साथ ही साथ यू पीपल ऑल्सो नीड टू रिमेंबर राइट कि कौन सा एक्ट कहाँ पे आया था। काफी टाइम दे कैन गिव यू अ रॉन्ग ईयर ऑल्सो जस्ट टू सी वेदर यू पीपल नो और नॉट। यस, दिस क्वेश्चन आई रिमेंबर स्पेसिफिकली, मैंने और एक MCQ में किया था। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिकॉल। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क वुमेन एट वर्क प्लेस गोज बैक टू द हिस्ट्री ऑफ विशाखा जजमेंट। इसका जस्टिस वर्मा कमेटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। इट इज राइट आफ्टर द निर्भया केस हैपेंड। हमारा जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था उसको हमें अमेंड करना पड़ा। काफी सारे न्यू चीजें इंक्लूड हुए, जैसे कि एसिड अटैक, सेक्सुअल हरासमेंट, ये सारे चीजें इस एक्ट में, इस अमेंडमेंट वाले एक्ट में इंक्लूड हो गए। और ये भी चीज मैंने आप लोगों को यूनिट 8 अनअकैडमी प्लस में पढ़ाया था। बट देन यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया। वेरी गुड, अब मैं कुछ नहीं कर सकती इफ यू पीपल डू नॉट स्टडी। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिवर्सली करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रैटिफिकेशन? हायरार्की, एक्सक्लूशन, इनइक्वालिटी, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा इज नॉट यूनिवर्सली करेक्ट विथ स्ट्रैटिफिकेशन? नॉट पूछा है। हायरार्की, एक्सक्लूजन, इनइक्वालिटी। मैंने आप लोगों को सिखाया है कि स्ट्रैटिफिकेशन, हायरार्की और इनइक्वालिटी को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तभी जाके वो बनेगा, इजंट इट? देयरफॉर हमारा करेक्ट आंसर हो गया एक्सक्लूजन। हमेशा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में एक्सक्लूजन नहीं भी होगा तो भी चलेगा। क्लियर? वेरी गुड, लेट्स सी नेक्स्ट वन। Question number 35 is asking you, who is the famous author of the book, The Household Dimension of India? Household is a very, very important keyword for A.M. Shah, who just passed away last year. Question number 36,
डेविस एंड मूर के हिसाब से इफेक्टिव रोल एलोकेशन और परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब क्या था? दैट ऑल रोल्स मस्ट बी फिल्ड, रोल्स मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द बेस्ट एबल टू परफॉर्म देम, द नेसेसरी ट्रेनिंग फॉर देम मस्ट बी अंडरटेकन, ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एग्जैक्टली हैरलॉम्बस से कॉपी पेस्ट लिया गया है। ये तीनों पॉइंट्स हम लोग डेविस एंड मूर के हैरलॉम्बस पोर्शन में पढ़ते हैं। सो ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट। In the analysis of caste groupings in capitalist society, Weber ने इनमें से कौन सा type of class के बारे में नहीं बोला है? This also I have taught you people on plus on while teaching you social stratification. In fact, यहाँ पे 99% चीजें मैंने Unacademy Plus और special classes में आपको पढ़ा दिया है, फिर भी आप लोग गलत answers दे रहे हो। अब कुछ नहीं कर सकते, 10 तारीख को exam है। जो students sincerely पढ़ चुके हैं, you people will pass. जिन students ने बिल्कुल भी sincerity नहीं दिखाई है, आप पास नहीं कर सकते। द करेक्ट आंसर इज कल्चरल कैपिटल। कल्चरल कैपिटल इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय बोर्डो, नथिंग टू डू विद वेबर। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द बुक द वायलेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन के खिलाफ बहुत फेमसली वंदना शिवा ने कहा था, सो प्लीज रिमेंबर दैट। मोहिनीअट्टम डांस हम लोग कौन से स्टेट में देखते हैं, इंडिया के कौन से स्टेट में आता है? द करेक्ट आंसर इज केरला। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस, एटलीस्ट मेजर डांस फॉर्म्स और ये सब तो देख के जाना। इनमें से कौन सा इज अ फीचर ऑफ ट्राइब? देखो, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कौन सा नहीं है, इसमें आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा है फीचर। हायरार्की, कॉमन कास्ट, कॉमन लैंग्वेज, ऑल ऑफ द अबव। सो अगेन रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज कॉमन लैंग्वेज, क्योंकि हायरार्की कास्ट तो नहीं होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है? विलियम हार्वी एटॉमिक एनर्जी, आइंस्टाइन थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, मेंडेलीव द पीरियोडिक टेबल, हर्बर्ट साइमन बाउंडेड रैशनैलिटी। तो दोज स्टूडेंट्स हु डोंट नो, द थियोरी ऑफ एटॉमिक एनर्जी वॉज गिवन बाय रदरफोर्ड। So therefore the correct answer is number A, क्योंकि ये गलत pairing की गई है। Clear? Question number 42 एक बहुत ही अच्छी question है। Let me see how many of you can answer this. इस किताब में ये कहा जा रहा है, basically यहाँ पे कौन सा book में ये चीज लिखा है? This is getting asked to you people. The argument that major changes in the nature of capitalism. 1960s में capitalism में बहुत सारा बदलाव आया, जहाँ पे new working class polity में enter किया, welfare state भी धीरे धीरे आना शुरू हुआ और left politics कहीं ना कहीं थोड़ा diffuse होने लगा। This is the famous quotation from the book The End of Ideology by Daniel Bell, जहां पे उन्होंने पोस्ट इंडस्ट्रियलिज्म का भी कॉन्सेप्ट दिया था। एंड ऑफ हिस्ट्री इज अ बुक बाय फुकुयामा, जो कि बहुत बाद में आता है, सो इट इज कंप्लीटली अनरिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। लेट कैपिटलिज्म अगेन अ बुक बाय जेम्सन, जहां पे वो बहुत सारी चीजें बोलते हैं जो कि 1991 से शुरू होता है। सो दिस कोटेशन इज टॉकिंग अबाउट 1960s, देयरफॉर ये आंसर यहां पे नहीं होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 43 अगेन ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, आपको बताना है ये एग्जाम्पल कौन से थियरी के बारे में बोल रहा है। इफ वी कैन बाय एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट इन टू आउटलेट्स एट डिफरेंट प्राइसेस, वी विल बाय द चीपर बिकॉज इट सेटिस्फाइज अस इन एवरी बिट एज वेल एज द ऑल्टरनेटिव लीव्स अस चेंज टू स्पेंड ऑन समथिंग एल्स। अगर मान लो ये पेन, सेम टू सेम पेन आपको दो दुकान में मिल रही है, एक में आपको सस्ते में मिल रहा है, तो फिर हम लोग सस्ता वाला ही खरीदते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म, इकोनॉमिक मैन, रैशनल चॉइस थियरी, नन ऑफ द अबव। आई हैव टॉट यू पीपल वेरी वेल द रैशनल चॉइस थियरी ऑन अनअकैडमी प्लस। इनफैक्ट ऑल माई स्टूडेंट्स फ्रॉम अनअकैडमी प्लस, अगर आप लोगों ने ध्यान से मेरे पूरे कोर्स को सॉल्व किया है, आराम से जामिया के पेपर में 95+ तो आ ही सकता है आप लोगों का। द करेक्ट आंसर इज रैशनल Choice Theory by Gary Becker. Very good. और इसी Rational Choice Theory ने Homo Economicus का भी concept दिया था, if you people remember. Economicus. Clear? Who amongst the following distinguished between social statics and social dynamics? Very easy. हमने first foundation class में ही किया था. The correct answer is August Comte. इनमें से कौन सा टर्म फ्रांसिस गेल्टन ने 1883 में दिया था, जहां पे वो ह्यूमन रेस को और भी अच्छे से ब्रीडिंग करवाना चाहते थे? जेनेटिक्स, यूजेनिक्स, इथोलॉजी, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज यूजेनिक्स। यूजेनिक्स इज अ टर्म गिवन बाय फ्रांसिस
Galton. Question number 46 is asking you, the condition of working class in England is a famous book by who? This is a little uncommon book, so मैं बता देती हूँ, ये किताब फ्रेडरिक एंगल्स का है. The condition of working class in England is a book by Frederick Engels. Question number 47, again very easy. Impression management का थियरी किसने दिया था उनके सेल्फ के कॉन्सेप्ट या फिर सेल्फ के थियरी में. Impression management is a concept we find in Goffman's dramaturgy. Goffman के dramaturgy में हमें ये concept मिलता है. Question number 48 is asking you, in demography, the physiological or biological capacity to reproduce is called what? यहाँ पे capacity to reproduce कहा जा रहा है, यानी कि आप कितने reproduce कर सकते हो, chances क्या है, उसे fecundity कहा जाता है. Fertility means आपने कितने reproduce किए हैं. So fecundity and fertility are not same. Clear? All right. अगेन बर्थ रेट भी नहीं होगा, बिकॉज बर्थ रेट इज नथिंग बट फर्टिलिटी. यहाँ पे कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस की बात नहीं होती है. यस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स कम्स द क्लोजेस्ट टू डिस्क्राइब द अटैक्स ऑन इंडियंस इन यूएसए. दो तीन साल पहले इंडियंस पे अटैक हुआ था यूएसए में, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज एथनोसेंट्रिज्म. जेनोसाइड नहीं होगा, क्योंकि जेनोसाइड में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, मैनी पीपल आर किल्ड. तो मान लो अगर हम लोग ज्यूज का एग्जाम्पल लेंगे, तो ज्यूज एक तरीके का जेनोसाइड है. पर इंडियंस पे जो अटैक हुआ था इज नथिंग बट एथनोसेंट्रिज्म, जहां पे वो लोग अपने कल्चर से इंडियंस के कल्चर को जज कर रहे थे. क्लियर? Sociologists tend to use this term for any regularly repeated pattern of action. कोई भी चीज जो आप regularly repeat कर रहे हो, उसे sociology में हम क्या बोलते हैं? Belief, custom, ritual, symbol. Again, we had done a similar question a few days back. I don't know how many of you recall. The correct answer is ritual. The correct answer is ritual that is regularly repeated. Question number 51 को ध्यान से पढ़ो. This concept signifies the process in which repetition of actions allows them to be performed with ever less conscious deliberation. इसका मतलब समझो, यानी कि एक चीज आप इतना रिपीट करते 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 एक ऐसा टाइम आ गया जहां पे एक टाइम के बाद आप कॉन्शियसली उसे करते ही नहीं हो, वो आपके डेली रूटीन का एक पार्ट बन जाता है. उसे हम लोग बोलते हैं रूटीनाइजेशन, विच इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय वेबर व्हेन ही टॉक्स अबाउट रूटीनाइजेशन ऑफ कैरिज्मा. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 52 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मर्टन ने 1948 में दिया था, जहां पे व्हेन पीपल डिफाइन सिचुएशंस एज रियल दे बिकम रियल इन देयर कॉन्सिक्वेंसेस. यानी कि अगर मैंने बोला कि आप लोग एग्जाम पास करोगे, और आगे जाके अगर सच्ची में आप लोगों ने एग्जाम पास कर लिया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द करेक्ट आंसर इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी गिवन बाय मर्टन. यस, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. ये पेपर तो बहुत ही अच्छा है, इट हैज वेरी गुड सोशियोलॉजिकल क्वेश्चन एंड अ फुल्ली स्कोरेबल पेपर. सो दो स्टूडेंट्स हु हैव फॉलोड मी ए टू जेड कैन कम एंड टेल मी आफ्टर एग्जाम दैट यू पीपल हैव स्कोर्ड 95+ इन द जामिया पेपर. जस्ट लाइक माई लास्ट ईयर्स, बहुत सारे सिंसियर स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया था जामिया के पेपर में. Which city has recently topped, that is 2016 में, annual survey of India's city system? So ये इसका recent data आप लोग देख लेना, अगर इसका recent भी कोई survey हुआ है देख लेना which has won. Yes, let's see the next one. Question number 54 is asking, which of the following is unsupportive of empathy in a social researcher? इनमें से कौन सा एम्पैथी सपोर्ट नहीं करता है सोशल रिसर्चर होने के नाते? इंटरप्रिटेटिव अप्रोच, वर्स्टी हैन, डेफिनेशन ऑफ द सिचुएशन, नन ऑफ द अबव. वी हैव स्टडीड दिस वेरी वेल ऑन प्लस कि वेबर ने कहा था वर्स्टी हैन डज नॉट मीन एम्पैथी, ही इज क्रिटिकल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पैथी. ये चीज जॉर्ज रिट्जर में भी दिया गया है, इफ यू पीपल हैव स्टडीड इट केयरफुली. लेट्स सी नेक्स्ट वन. I can't see students commenting. क्या हुआ, आप लोग comment करना बंद कर दिया है क्या? Please comment so that I know that you people are attending the class. ध्यान से, first ever department of sociology Indian university में किसने find किया था? Very easy, the correct answer is Patrick Gids in Bombay University. Yes, let's see the next one.
तो साउथ एशियन गेम्स वर हेल्ड इन 2016 इन विच सिटी ऑफ इंडिया, इसके लिए आप लोग ढूंढ लेना कहाँ पे हुआ था. नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल क्वेश्चन, विच सोशियोलॉजिस्ट वॉज अ मेंबर ऑफ सचर कमिटी. हमें पता है सचर कमिटी एक ऐसा कमिटी था जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम्स के बारे में इन लोगों ने स्टडी किया था. यस, इनमें से कौन सा सोशियोलॉजिस्ट उस पैनल में था? तो दो स्टूडेंट्स हु डू नॉट नो, द करेक्ट आंसर इज टी के ओमेन. प्लीज ध्यान से नोट डाउन कर लो. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ये एक ऐसा पैन इस्लामिक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था जहां पे मुस्लिम्स ब्रिटिश रूल के टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रोटेस्ट किया था टू प्रिजर्व द ऑटोमान कैलिफेट. वी ऑल नो दैट इट वॉज नथिंग बट द खिलाफत मूवमेंट, विच वॉज ऑल्सो आई मीन फेमसली नोन एज द खिलाफत मूवमेंट. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 59, इंडिया में सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? दिस इज इट सीम्स टू बी अ इजी क्वेश्चन बट इट इज नॉट. कैन एनीबॉडी टेल मी फर्स्ट डीमोनेटाइजेशन इंडिया में कब हुआ था? जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं न्यूज को, आप लोगों को पता होगा इसका आंसर, बिकॉज जब हुआ था डीमोनेटाइजेशन कुछ साल पहले, वहां पे ये बहुत बार न्यूज में आया था कि इंडिया में फर्स्ट डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था. लेट मी सी हु कैन गिव मी द करेक्ट आंसर. उससे मुझे ये पता चलेगा कि यू पीपल हैव रेड इट. यस, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज 1946, जहां पे फॉर द फर्स्ट टाइम 1000 रुपीज और इससे जो बड़े बड़े वैल्यूज के रुपीज थे उनको डीमोनेटाइजेशन किया गया था. उसके बाद 1946 के बाद 1978 में क्या गया फिर से? यस, वेरी गुड. यस, so I hope you people will remember this, so don't make this mistake. Okay, acha, yes, very good. Let's see the next one. इनमें से कौन से स्टेट में पंचायती राज नहीं है? अभी कुछ साल पहले तक नागालैंड और मिजोरम दोनों में पंचायती राज नहीं था, पर फिलहाल हमारा अभी बस नागालैंड बचा है जहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है, बिकॉज मिजोरम स्टार्टेड रिसेंटली. क्लियर? द इंक्रीजिंग डिफरेंस बिटवीन वेल्थ ऑफ बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरियट, बहुत बार मैंने पढ़ाया है. द करेक्ट आंसर इज पोलराइजेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाय मार्क्स. यस, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 62 इज आस्किंग, इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट ने डेवलप नहीं किया था? इट वॉज नॉट डेवलप्ड बाय वन ऑफ द क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट. क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट में कौन आते हैं? ऑगस्ट कोर्ट, मार्क्स, डर्कहाइम, वेबर. तो इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? द करेक्ट आंसर इज सोशल कैपिटल, क्योंकि सोशल कैपिटल का कॉन्सेप्ट बोर्डो ने दिया था और बोर्डो बिल्कुल भी क्लासिकल थिंकर्स के लिस्ट में नहीं आते हैं. आई होप इट इज क्लियर. यस, लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ. वेरी गुड, यस, वेरी गुड, लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Yes, there are many students who gave correct answer to the previous question, so I'm glad, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था. Yes, very good. Let's see the next one. The idea of moral and material density was given by who? मैंने बहुत बार आप लोगों को ये चीज पढ़ाया है. The correct answer, yes, Putnam ने भी बोला है, but generally हम लोग social capital के साथ बोर्डो को ही relate करते हैं. The correct answer is Durkheim. It is that perspective that has a tendency to view the elements of social structure in binary opposition. Exactly from the foundation classes, the correct answer is structuralism. Weber ने अपनी किताब City में क्या क्या चीजों के बारे में बोला है? European city, Asian city, both are correct, both are incorrect. इनमें से दोनों correct है. उन्होंने यूरोपियन और एशियन सिटीज, जिसको उन्होंने ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल सिटीज कहा था, दोनों के बारे में ही हैज वर्क्ड. एंड आई हैव टॉट यू पीपल दिस ऑन अनअकैडमी प्लस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रशास्त्र टाइप ऑफ हिंदू मैरिज गिवन बाय मनु. प्रशास्त्र मीन्स प्रेफरेबल. हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेफरेबल में बस चार ही टाइप्स आते हैं, दैव, अर्ष, ब्रह्म, गंधर्व एंड प्रजापत्य. प्रजापत्य is the fourth one which are considered prashasta or preferable. Gandharva marriage ko hum log preferable nahi maante hain as per Manu. Which of the following is correct with respect to cult? Cult ke concept se kaun sa cheez inme se correct hai? They have an organization similar to church.
They were collective expressions of a society. They do not have any sharply defined belief system, all of the above. Very good, the correct answer is number C. Cult ka koi defined belief system nahi hota hai. Therefore, option C is correct. In which landmark year was the new agricultural policy announced in India? अभी तो न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी अभी रिसेंटली काफी ज्यादा हमारा फ्रेम हो गया है ड्यू टू एग्रीकल्चरल बिल्स, बट द लास्ट वन वाज इन 2000, सो प्लीज रिमेंबर दिस. क्लासिफिकेटरी और डिस्क्रिप्टिव किनशिप के डिफरेंस किसने दिए हैं? वेरी इजी, द करेक्ट आंसर इज लुइस हेनरी मॉर्गन, या फिर जिसे हम लोग एल एच मॉर्गन के नाम से भी जानते हैं. क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन सा आर्टिकल अनटचेबिलिटी को बिल्कुल ही फॉरबिड करता है? वी हैव डन दिस बिफोर एज वेल. द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 17. द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज सिमिलर टू रिलेटिव पॉवर्टी, सबसिस्टेंस पॉवर्टी, मटेरियल पॉवर्टी, नन ऑफ द अबव. दिस इज टेकन फ्रॉम इग्नू, जो कि मैंने एग्जैक्टली आप लोगों को फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ाया था. द करेक्ट आंसर इज सबसिस्टेंस पॉवर्टी, जहां पे बेसिक नीड्स भी सर्वाइव करने के लिए या फिर सब्सिस्टेंस के लिए आपके पास नहीं होता है. इन ऑर्डर फॉर अ वेरिएबल टू बिकम मेजरेबल, ऑल द रिसर्चर्स मस्ट प्रोवाइड अ हाइपोथेसिस, स्केल, ऑपरेशनल डेफिनेशन, ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज अ हाइपोथेसिस. एनी वेरिएबल इज मेजरेबल इफ यू प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ हाइपोथेसिस, जिसे हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक्सप्रेशन में आप लोग उसे एक्सप्रेस कर सकते हो. क्लियर? पिक आउट द ऑड वन. सरोजिनी नायडू, अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनमें से बाकी के तीन सारे पोएट्स और राइटर्स रह चुके हैं एक्सेप्ट फॉर सरोजिनी नायडू. उन्होंने भी किताबें लिखी है, बट सरोजिनी नायडू को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंटली एज अ फ्रीडम फाइटर जानते हैं. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 74, ध्यान से देखो. इफ माई किनशिप बॉन्ड विथ माई सन इज कॉन्सैंग्विनस, देन द बॉन्ड विथ माई वाइफ वुड बी कॉल्ड. ब्लड रिलेशन को हम लोग कॉन्सैंग्विनस बोलते हैं. बॉन्ड विथ योर पार्टनर यानी हस्बैंड और वाइफ को हम लोग एफाइनल बोलते हैं. वेरी इजी क्वेश्चन. द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल रिलीजन इन इंडिया इज नेशनलिस्ट, प्लूरलिस्ट, डेमोक्रेटिक, नन ऑफ द अबव. इंडिया में कोई भी रिलीजन मतलब ऑफिशियल नहीं माना जाता है. इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, देयरफॉर सिविल रिलीजन भी हमारा प्लूरलिस्ट ही होगा, जहां पे कोई भी एक रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड्स इन अ पॉपुलेशन, द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल इन टोटल पॉपुलेशन, रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एडल्ट मेल एंड एडल्ट फीमेल, द परसेंटेज ऑफ फीमेल बॉर्न every 100 males. The correct answer is number A. India में हम लोग number of females per 1000 males को sex ratio का definition बुलाते हैं. Clear? Washing soda का common name क्या है? Now this is some basic things जो कि हम लोगों ने school में किया था. Yes, very good. Again यहाँ पे calcium तो हमारा obviously what is it called? कैंसल आउट हो जाएगा. द करेक्ट आंसर अमंग दिस इज सोडियम कार्बोनेट. द करेक्ट आंसर इज सोडियम कार्बोनेट नंबर सी, नॉट सोडियम बाइकार्बोनेट. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 78. हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट स्टडी डेवियंस? डेवियंस को इनमें से किसने स्टडी नहीं किया था? इमाइल डर्कहाइम, हॉवर्ड बेकर, ब्रॉनिस्लो मैलिनोस्की, एर्विंग गॉफमैन. द करेक्ट आंसर इज एर्विंग गॉफमैन. इन्होंने कोई भी स्टडी डेवियंस में नहीं किया था. ब्रॉनिस्लो मैलिनोस्की ने किया था इन हिज फेमस बुक क्राइम. यस, व्हाट वाज दैट? क्राइम एंड समथिंग इन सेवेज सोसाइटी. मुझे दूसरा वाला वर्ड नहीं मिल रहा है. लेट मी सर्च. Crime in Savage Society. It's a famous book by Malinowski. Crime and Custom. Yes, very good. The correct answer is Crime and Custom. Crime and Custom in Savage Society. So, our correct answer, Irving Goffman. We regard having fits as a symptom of medical problem rather than evidence of an unusual spiritual state is an example of secularization,
इंडस्ट्रियलाइजेशन, डीसेक्रलाइजेशन, ऑल ऑफ दी अबव दैट वी रिगार्ड हैविंग फिट्स एज अ सिस्टम ऑफ मेडिकल, यानी कि पहले के जमाने में अगर लोगों को फिट्स आती थी, बेहोश हो जाते थे, तो लोग उनको स्पिरिचुअली कनेक्ट किया करते थे, पर आजकल हम लोग इसे नहीं करते हैं. दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज सेक्युलराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डीसेक्रलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज डीसेक्रलाइजेशन, क्योंकि जो चीज पहले सेक्रेड या स्पिरिचुअल हुआ करती थी अभी नहीं रही. ओके, सो यहाँ पे सेक्युलराइजेशन नहीं होगा, इट इज स्पेसिफिकली डीसेक्रलाइजेशन. In which landmark year the world population became half urban, यानी कि इस साल के बाद 50% population world का urban consider कर दिया गया था. Please इसे note down करो. The correct answer is number C, 2007. The methods of studying social phenomena fashioned out the rules of science are described as. The methods of studying social phenomena, जहाँ पे हम लोग rules of science को fashion out कर देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? Nomothetic, ideographic, ethic, emic. I have taught you people all of these in research methodology. Let me see how many of you can give me the correct answer. Yes, very good. Yes. Question number 81 का answer आप लोग मुझे खुद बताओ. I will wait for you people to give me the correct answer. Question number 81. Yes, many of you are trying. Yes, many of you are giving the correct answer. The correct answer is nomothetic. Nomothetic is nothing but natural science inspired. Ideography is social science. Ethicemic यहां से बिल्कुल भी related नहीं है, so out of option. Which Chicago school thinker ने the famous book The Ghetto लिखा था? अभी last एक्स्ट्रा थिंकर्स के क्लास में आई हैव टॉट यू पीपल द घेटो बुक वॉज रिटन बाय लुइस वर्थ. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास, इनमें से कौन सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू अबाउट डोमिनेंट कास्ट? इट इज न्यूमेरिकली डोमिनेंट, इट इज द हाइएस्ट इन रिचुअल हायरार्की, इट मे एक्वायर पॉलिटिकल पावर विद टाइम. ऑफकोर्स द करेक्ट आंसर इज हाइएस्ट इन रिचुअल हायरार्की, क्योंकि मैक्सिमम डोमिनेंट कास्ट हाइएस्ट नहीं होते हैं, दे आर माइट नॉट बी इवन ब्राह्मिन्स. क्लियर? नेक्स्ट वन. द आइडिया ऑफ फॉल्स कॉन्शियसनेस वॉज इन्फ्लुएंशियल और हैज इन्फ्लुएंस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? मार्क्सिज्म, फ्रैंकफर्ट स्कूल्स, क्रिटिकल थियोरी, ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमें पता है ये सबसे पहले मार्क्स ने बात किया था, बट फ्रैंकफर्ट एंड क्रिटिकल थियरी इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ मार्क्स थियरी, सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. क्लियर? अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट सीक्स टू रिड्यूस अ लार्ज सेट ऑफ वेरिएबल्स टू अ स्मॉल नंबर ऑफ की एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट एनालिसिस, स्केलिंग, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस. जहां पे लार्ज सेट ऑफ वेरिएबल्स को हम लोग स्मॉल नंबर ऑफ की एट्रीब्यूट्स में बदल देते हैं. द करेक्ट आंसर इज स्केलिंग. हम लोग स्केल्स इसलिए ढूंढ के निकालते हैं सो दैट अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, उसे हम लोग छोटे छोटे मेजरेबल यूनिट्स में डिवाइड कर पाए. क्लियर? आई होप यू पीपल अंडरस्टूड. क्वेश्चन नंबर 86 को ध्यान से देखो. यस, वेरी गुड. द प्रोसेस बाय विच जनरल रेगुलरिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस एंड कनेक्शंस, यानी कि पहले आप रिपीटेड चीजों को स्टडी करोगे, उसके बाद एक जनरल स्टेटमेंट दोगे, उसे हम लोग इन सिंपल वर्ड्स क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज डिडक्शन. फर्स्ट यू स्टडी स्पेसिफिक रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद उसे हम लोग एक जनरल रेगुलरिटीज की तरफ अगर लेके जाएंगे, उसे हम लोग डिडक्शन बोलेंगे. यस, आई हैव टॉट यू पीपल इंडक्शन, डिडक्शन. आई होप इट इज क्लियर. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. डैनियल बेन ने अपने किताब में नॉलेज सोसाइटी के बारे में कहा है, जहां पे ही सेज देयर इज अ ग्रोथ ऑफ प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस, हाई टेक्नोलॉजी वर्क एंड मेनी मोर. ये सारी चीजें उन्होंने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में बताते हुए कहा है, और पोस्ट इंडस्ट्रियल के बारे में उनका एक ही किताब है, दैट इज द कमिंग ऑफ द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी. क्लियर? यस, वेरी गुड. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. हाउ कैन इट बी इंडक्शन? यस, आई एम वेरी सॉरी, इट विल बी इंडक्शन. आई एम सो सॉरी. एक तो मैं इतना नॉन स्टॉप जा रही हूँ, आई हैव कन्फ्यूज माई सेल्फ.
करेक्ट आंसर इज इंडक्शन, बिकॉज यहाँ पे हम डिराइव बाद में कर रहे हैं. वेरी गुड, गुड फॉर पॉइंटिंग इट आउट. द करेक्ट आंसर विल नॉट बी डिडक्शन, द करेक्ट आंसर इज इंडक्शन. मैं ये इरेज कर देती हूँ, बिकॉज इंडक्शन में पहले हम लोग पर्टिकुलर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, पर्टिकुलर चीज़ों को ऑब्जर्व करके लास्ट में जनरल स्टेटमेंट देते हैं. सो जनरल स्टेटमेंट अगर लास्ट में आ रहा है तो फिर इंडक्शन ही होगा. आई एम वेरी सॉरी, द करेक्ट आंसर इज इंडक्शन, नॉट डिडक्शन. चलो नेक्स्ट. In which part of the self in Mead's analysis is closest to the group identity? आपका जो group का identity है वो सबसे ज्यादा आपके कौन से element में दिखाई देता है? I, me, looking glass self, significant other. Tell me, this is a very good question. So those who have studied Mead properly can give me the correct answer. Which part of the self? मतलब सेल्फ के कौन से पार्ट में मीड ने कहा था कि हमारा ग्रुप आइडेंटिटी हमें सबसे ज्यादा या फिर स्पेसिफिकली दिखाई देता है? आई, मी, लुकिंग ग्लास सेल्फ, सिग्निफिकेंट अदर. वेरी गुड, वेरी गुड. मेनी ऑफ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज मी, क्योंकि मी इज नथिंग बट माई सोशलाइज्ड सेल्फ. असलियत में मैं क्या होती हूँ वो मेरे आई में होता है, बट मी में मेरा सोशलाइज्ड सेल्फ दिखाई देता है. क्लियर? वेरी गुड. So this is the very basics from Mead's theory. The students who are giving wrong answer have not studied Mead. He was one of the first Marxists to admit that the working class was not going to lead the revolution and the potential for revolutionary change has to be found somewhere else. Revolution नहीं करने वाले ये लोग, revolution का potential आपको कहीं और ढूंढ के निकालना पड़ेगा, because he was specifically dealing with the idea of hegemony. The correct answer is Gramsci. ग्रामशी ने बोला था कि लोग ऐसे ही जाके रेवोल्यूशन नहीं लाएंगे. ये सारे चीज़ें हमें बाकी और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स में ढूंढ के निकालना पड़ेगा. एल्थूजर, मार्कस या फिर नन ऑफ द अबव नहीं होगा यहाँ पे. क्लियर? वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 90. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स इन इंडिया. इनमें से कौन सा वो स्टेट नहीं है? एक बार ये होमवर्क कर लेना, सारे स्टेट्स का नाम एक बार देख लेना. फिलहाल मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ. करेक्ट आंसर असम है. असम के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है. क्लियर? कोडिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ नंबर ऑफ कैटेगरीज इन विच आंसर्स कैन बी प्लेस्ड. मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसेंटली आप लोगों को कोडिंग पढ़ाया था. द डेटा कलेक्टेड थ्रू सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू स्केड्यूल विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस विल देयरफॉर बी प्री कोडेड, पोस्ट कोडेड, कैन नॉट बी कोडेड, नन ऑफ द अबव. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. अगर कोई इंसान ओपन एंडेड आंसर दे रहा है तो उसे हम लोग कोड्स नहीं दे सकते. कोड्स हम सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ही दे सकते हैं. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज नंबर सी. 92 इज अ स्मॉल मैथमेटिकल रीजनिंग. 52, 51, 53, 52, 54, 53, आई थिंक इसके बाद आएगा 55. यस, एक एक नंबर पहले जा रहा है, सो 55 इज द करेक्ट आंसर. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 93. विच बैंक वॉज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ATM इन इंडिया बैक इन 1987? इसका मुझे भी नहीं पता. यू पीपल हैव टू सी, एक बार सर्च कर लेते हैं. फर्स्ट ATM इन इंडिया. अच्छा, HSBC ने क्या था बॉम्बे में 1987. सो द करेक्ट आंसर इज HSBC. नेक्स्ट, पिक द ऑड वन आउट. NEFT, ई वॉलेट, गिफ्ट कार्ड, कैशलेस पेमेंट. NEFT इज अ वे इन विच वी ट्रांसफर मनी. ई वॉलेट इज जहाँ पे, जैसे आजकल हमारे ई वॉलेट्स होते हैं, फोन पे, पेटीएम, गिफ्ट कार्ड. गिफ्ट कार्ड भी हम लोग आजकल ऑनलाइन दे सकते हैं. कैशलेस भी आप पे कर सकते हो. आई एम अ लिटिल कन्फ्यूज इनमें से क्या होगा, बिकॉज इनमें से सारे के सारे तो ऑनलाइन ही मोड में हैं. प्रॉबेबली गिफ्ट कार्ड, बिकॉज अ गिफ्ट कार्ड कैन बी ऑल्सो, वॉट डू यू कॉल इट, नॉट ऑनलाइन. आई मीन, वॉट डू पीपल थिंक, गिफ्ट कार्ड हमेशा ऑनलाइन होगा, नॉट नेसेसरी. यस, मुझे भी लग रहा है गिफ्ट कार्ड ही हो सकता है. फिलहाल चलो, आई एम गोइंग विद गिफ्ट कार्ड. अच्छा, इनमें से कौन सा B.R. अंबेडकर ने फाउंड नहीं किया था? समाज, समता संघ, ही डिड फाइंड इट, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, यस, डेकान एजुकेशन सोसाइटी एंड डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट. आई थिंक इट विल बी डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट. एक बार कंफर्म कर लेते हैं. डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट.
This is also by यस नो दिस इज ऑल्सो बाई अम्बेडकर ओनली. तो फिर डेकान एजुकेशन सोसाइटी एक बार सर्च कर लेते हैं. डेकान एजुकेशन सोसाइटी, यस इसमें नहीं होगा. डेकान एजुकेशन सोसाइटी ही है क्योंकि इनके फाउंडर्स बाल गंगाधर तिलक एक्सेट्रा ये सारे लोग हैं. सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ बाल गंगाधर तिलक एक्सेट्रा. अ सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने रिसेंटली ट्राइबल मूवमेंट्स पे द फेमस बुक द बर्निंग फॉरेस्ट लिखा है, टू दोज ऑफ यू हु डोंट नो इट्स नन अदर देन द प्रोफेसर ऑफ डीएससी नंदिनी सुंदर. इनमें से किसने पावर डिलीट का कॉन्सेप्ट दिया था? पावर डिलीट का कॉन्सेप्ट दिया था ऑफकोर्स सी राइट मिल्स ने. इनमें से कौन सा बुक करेक्टली मैच नहीं है? ये कुछ रीसेंट बुक्स हैं रिटन बाय डिफरेंट पॉलिटिशियंस. ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर इज करेक्ट, बराक ओबामा. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला. द ट्रम्प कार्ड इज बाय इवांका ट्रम्प. द करेक्ट आंसर इज लिविंग हिस्ट्री. इट इज नॉट बिल क्लिंटन बट इट इज रिटन बाय हिलरी क्लिंटन. ओके सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इट इज रिटन बाय हिलरी क्लिंटन. लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शंस में डिफरेंस किसने बताया था? वेरी इजी, द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट मार्टिन. इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट मार्क्स ने नहीं दिया? वर्किंग डे, एलियनेशन, सर्किट ऑफ मनी कैपिटल, लिक्विड कैपिटल. लिक्विड कैपिटल, लिक्विड मॉडर्निटी, ऑल दीज आर गिवन बाय लेटर जिगमंड बोमा. सो दैट्स ऑल विद द जामिया पेपर्स. आई हैव सॉल्व्ड ऑल द जामिया पेपर्स. सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हैं, जाके देखो. लास्ट मिनट प्रेपरेशन में मैं बार बार बोल रही हूँ, यू पीपल हैव सीन थिंकर्स, देख के जाना थिंकर्स के सारे कॉन्सेप्ट. जरूरी है तो 26 थिंकर्स वीडियो भी देख लेना, जो कि स्पेशल क्लासेस में भी है, यूट्यूब में भी है. सारे चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगी, फ्री फाउंडेशन क्लासेस की PDF. माई टेलीग्राम इज अंतरा चक. इसमें सारे फाउंडेशन क्लासेस के PDFs हैं, उनको एक बार जरूर पढ़ लेना. फाउंडेशन क्लासेस के PDF एक बार ब्रीफली रिवाइज करके जाना एग्जाम में. यस उसके बाद जहां से भी आप लोगों ने मेन कंटेंट पढ़ा है, अगर आप लोगों ने प्लस लिया था तो प्लस के सारे PDF को फर्स्ट टू लास्ट. अगर फ्री में पढ़ा है तो अपने जितने भी रिसोर्सेज आप लोगों ने प्रिपेयर किया है, फ्रॉम दोज प्रिपेयर देम वेल. ऑल्सो डोंट फर्गेट टू गो थ्रू द बुक्स गाइज, बिकॉज जामिया बहुत सारे चीजें बुक्स डेफिनेशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछते हैं. सो बुक्स डेफिनेशंस बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखना कंपलसरी है. एक बार सारे PYQs के वीडियो एक बार सॉल्व कर लेना, सो दैट यू पीपल हैव एन आइडिया किस तरीके के क्वेश्चंस जामिया में ओवर द ईयर्स आई हैं. यस जामिया में होता है नेगेटिव मार्किंग. हर एक क्वेश्चन का 0.25 मार्क आपका चला जाएगा अगर आप लोगों ने गलती किया. तो चार क्वेश्चंस गलती किया तो एक मार्क गया. यस ऑल राइट मैम. 2015 का PYQ, 15 का PYQ ऑब्जेक्टिव तो नहीं था एज फार एज आई रिकॉल. अगर ऑब्जेक्टिव है तो भेज दो, हम लोग कल सॉल्व कर सकते हैं. यस SAU के डेट्स आ गए हैं, फाइनली आई विल मेक अ वीडियो ऑन SAU राइट नाउ. ऑल राइट यस अटेम्प्ट की बात नहीं है. जो सारे क्वेश्चंस आप श्योर हैं उनको तो डेफिनेटली करके आना है. एक दो क्वेश्चंस गेस कर सकते हैं, बट आई वुड रियली सजेस्ट कि डोंट मेक एटलीस्ट 10 से 20 क्वेश्चंस गलत करके मत आओ, बट एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस सही तो डेफिनेटली करके आना है. 80 to 85 कट ऑफ तो आराम से जाएगा. ओके आई डोंट टीच सेंसेस ऑन फ्री. सेंसेस इज ओनली अवेलेबल ऑन प्लस, सो प्लीज रेफर टू द प्लस क्लासेस ऑफ सेंसेस. अच्छा JNU का एग्जाम बहुत देर है. नाउ डोंट टॉक अबाउट JNU व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट जामिया, बिकॉज एग्जाम अभी होने वाला है 10 तारीख को. कट ऑफ अभी कैसे पता चलेगा? व्हाट सॉर्ट्स ऑफ ए नॉनसिकल क्वेश्चन इज दिस? कट ऑफ अभी थोड़ी पता चलता है, कट ऑफ एग्जाम के बाद, पेपर देखने के बाद पता चलता है. डोंट टॉक लाइक पीपल हु हैव नो IQ एट ऑल. यू पीपल आर ग्रोन अप्स जो कि अभी एग्जाम देने वाले हो, अभी कैसे से कट ऑफ पता चलेगा? प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत आसान था 2020 का, और स्टूडेंट्स भी मेरे बहुत अच्छे से प्रिपेयर थे, सो कट ऑफ भी बहुत हाई गया था. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द कट ऑफ टू गो हाई. यस अच्छा क्लियर गाइज. ओके सो प्लीज वॉच ऑल द PYQs जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अटैच कर दिया है. अगर कोई भी पेपर आप लोगों के पास है जो आपको लगता है मैं सॉल्व कर सकती हूँ जामिया रिलेटेड, तो मुझे भेज दो टेलीग्राम में, मैं जरूर सॉल्व कर दूंगी कल. क्लियर
यस, लास्ट ईयर 82 वाज द कट ऑफ. तो सोच लो, जामिया में तो बहुत कंपटीशन होने वाला है, बिकॉज ऑल द गुड स्टूडेंट्स हु हैव लिसन टू मी फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट विल स्कोर 95+ आसानी से. और जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़े हैं, मैं क्या करूँ, अभी भी 2 दिन बाकी है, अच्छे से रिवाइज कर लो. क्लियर? ऑल राइट, थैंक यू सो मच. देन आई विल सी यू पीपल इन द नेक्स्ट. अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में क्लैरिफिकेशन है, मैं क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट सेक्शन में एडिट कर दूंगी. ओके, बाय एवरी वन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम. एग्जाम के पहले दिन आई विल मीट यू पीपल फॉर 15 मिनट्स अगेन टू विश